मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे मेन मुद्दे वाली बात यह है मित्रों कि मैं हमेशा आपसे ये कहता हुआ आया हूँ कि देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई ये नहीं करता, वो नहीं करता, देखो पढ़ते सब हैं, अपने अपने हिसाब से सब पढ़ते हैं। आज 45 साल की उम्र वाला भी यही कोशिश करता है कि मेरी जॉब लग जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मित्रों, मैं आप लोगों को अनेक उदाहरण गिना सकता हूँ। अभी मैंने एक घनश्याम जी सर का वीडियो भी देखा था, उन्होंने भी यूट्यूब पर एक ऐसे बंदे का वीडियो आप लोगों को दिखाया था। शायद मुझे यहाँ पर किसी का कोई प्रमोशन नहीं करना, देखिए जो अच्छा कर रहा है उसकी बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ मित्रों। उन्होंने देखा कि एक 17 साल की महिला ब्रह्मा देवी, उसका वीडियो आप लोगों को उन्होंने बताया होगा, आपने देखा भी होगा। वो बंदी आपने देखा, उस बंदी ने 17 साल बाद, यानी कि उसने बीएड कब करी थी और उसके बाद में उसका बेटा भी जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ता है, उसके बाद में उसने हिंदी का जो लेक्चरर का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई किया और आज उसको जो है ज्वाइनिंग मिली हुई है, पोस्टिंग उसकी हो गई है। तो मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं सक्सेस हो सकते। देखो सबसे गहन मुद्दे की बात यह है कि 25 साल से 30 साल के बीच में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको भी समस्या आती है, और जो 31 साल से लेकर के जो 40 साल के बीच में तैयारी या 35 साल के बीच में तैयारी कर रहा है उसको भी समस्या आती है। क्योंकि हमारे भारत देश में, हमारे राजस्थान में, यहाँ पर शादी 25 साल के बाद में लोग कर देते हैं या 30 साल के बाद में 100% उसकी शादी हो जाती है। अब उसे अपनी गृहस्थी भी देखनी है, समस्या है, सारी चीज़ें हैं, उसे पैसा भी कमाना है, और अगर घर से संपन्न है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी 1 या 2 साल बाद में उसका मोटिवेशन जो है वो डाउन होने लग जाता है। तो मित्रों सबसे मेन बात यह है कि हम ऐसी परिस्थिति में और ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे तैयारी करें। देखिए मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता देता हूँ, मैंने आज इस टॉपिक का जो मुद्दा जो रखा है वो हिंदी की जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी अभी आई है आप लोगों के सामने। सबको पता है कि संस्कृत विभाग से वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। मित्रों आपको मैं बता दूं, जिसने एमए किया हुआ है, एमए बीएड किया हुआ है, वो बंदा सेकंड ग्रेड की तैयारी से पहले उसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी आने वाली है। अभी स्कूल जो एजुकेशन है उससे भी आरपीएससी से लगभग 8 से 10 हजार की वैकेंसी आने वाली है। आप इसलिए मित्रों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि लगभग आप जो है 8 से 10 महीने की तैयारी का एक प्लान तैयार कर लें और उसके हिसाब से आप चलें और अपने आप को झोंक दीजिए। देखो ये आसान बात नहीं है ये कहना, मेरे लिए मैंने बोल दिया ये मेरे लिए आसान हो सकता है कि 8 से 10 महीने के साथ प्लानिंग कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। मित्रों देखो ये मतलब बोलना आसान है लेकिन उसको मतलब अप्लाई करना, उस चीज को करना ये आसान काम नहीं है, ये मैं जानता हूँ इस चीज के लिए। क्योंकि घर है, परिवार है, सब है, बच्चे हैं, सब है, सबको देखना है, और जो भी हम लोग कर रहे हैं तो उसको भी देखना है। मित्रों ये सारी कंडीशनें हमारे साथ होती है और उन कंडीशन को लेकर के चलना। और अब देख लीजिए 15-16 वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आई है, 30 से 34 वैकेंसी जो है सेकंड ग्रेड की आई है, और उसमें भी साहब आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो मतलब मामला ही डवाडोल है। लेकिन इस वैकेंसी से एक हमारा एक बेस तैयार हो सकता है। हम सिलेबस को निकाल करके, सिलेबस को अपने जहां हम पढ़ते हैं वहां लगा करके एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, अभी हमारे पास ये टाइम है। तो मित्रों मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चले, और अभी आपके पास टाइम है। जो साइंस और मैथ का बंदा होता है उसे हिंदी हिंदी ये उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो आर्ट्स का बंदा है उसे मैथ में, रीजनिंग में, यानी कि जो मेंटल एबिलिटी है उसमें, ये जो स्टेटिक्स है उसमें, साइंस में, इंग्लिश में,
इन सभी चीजों में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जिन जिन टॉपिक में आपको समस्या आती है वो टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है कि सर तैयारी तो हम लोग शुरू करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता पढ़े कैसे, क्या करें क्या ना करें। ये समस्या सबसे सबसे बड़ी समस्या होती है हर स्टूडेंट के सामने। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा साथियों कि आप जो है सिलेक्टेड मैटर ले लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, एक सिलेक्टेड मैटर लीजिए और उसके बाद में उसमें ही तैयारी, उसे 10 बार पढ़िए चाहे 15 बार पढ़िए, उसी को पढ़िए। ये मैं मतलब हमेशा हर स्टूडेंट के साथ यही होता है, वो बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लेता है और उससे वो एक बार भी पादरे उसके नहीं पढ़ते। ये मैं देखो सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप यही सोचें कि हमें अब ये मैंने मैटर ले लिया है और इसके अलावा मैं अब कोई भी मैटर इकट्ठा नहीं करूंगा, केवल जो करंट जीके है उसकी बुक में हर बार लेके आऊंगा और हर बार उसको पढ़ूंगा। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, एक बुक लिस्ट जो तैयार मैंने की है, मेरे हिसाब से तो शायद इससे बेस्ट कोई मामला नहीं होगा। देखिए फर्स्ट ग्रेड के लिए अपन हिंदी की अगर बात करें तो एक तो जो गाइड है फर्स्ट ग्रेड के लिए, आप राघव प्रकाश सर की परिष्कार की जो गाइड आती है वो लेकर के आ जाइए। सबसे बढ़िया बात ये है क्योंकि देखो मेरे को तो इतनी गाइड मैंने देखी है, सब देखी है, मेरे को तो वही बेटर लगी। और दूसरी बात, मैंने कोई वहां से ऐसा कुछ बात मेरी तुम सोचोगे प्रमोशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे को वो बेटर लगी और उसको ही 10 बार पढ़ लिया। ठीक है, ये आपकी बात हो गई क्योंकि एक गाइड तो आपको लेनी ही पड़ेगी, तो आप उसे ही ले लीजिए। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उन्होंने पीछे दिए हुए हैं वो इतने बढ़िया है, जबरदस्त। दूसरी बात, मैं खुद मेरे चैनल पर हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा रहा हूँ और मैं यह दावा करता हूँ आपके एक भी हिंदी साहित्य का अगर प्रश्न आएगा जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उनके उस एक क्वेश्चन के नीचे जो उसकी व्याख्या होती है बहुत सटीक है, आपको लगे जो जो क्वेश्चन के आपको तैयार करने हैं उसका आप नोट्स बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो मित्रों साथियों मैं यही कहूंगा, लग जाइए जुट जाइए, सफलता आसानी से नहीं मिलती है, मेहनत करने वाले हजारों हैं, सही दिशा में मेहनत करने वाले बहुत कम हैं, चलने वाले बहुत ही रास्ते में लेकिन थक करके बैठने वाले हजारों हैं, थक जाते हैं बैठ जाते हैं, आपको नहीं थकना है, आपको बढ़ते रहना है। और आपने अभी एक मूवी भी आई थी वो 12th फेल वाली, वो देख लीजिए, अगर आपको मोटिवेशन उससे मिल जाता है तो रीस्टार्ट वाली बात उसमें बताई गई है, मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छी मूवी मुझे लगी है, आप उसको देखकर भी मोटिवेट हो सकते हो। तो सबसे पहले बात हुई देखो हिंदी वाली बुक्स की बात मैंने करी, तो एक बुक वो ले लीजिए। अब इसके बाद में जो बुक्स पे आते हैं, हमारे बोर्ड की बुक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, एक बुक वो ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में काव्य शास्त्र से रिलेटेड में आपको एक बुक बताता हूं, मनोज मिश्रा सर की जो काव्य शास्त्र की बुक है सेफिशिएंट है साथियों, आप उसे ले लीजिए काव्य शास्त्र की बुक, अभी उन्होंने नई बुक निकाली है। इसके अलावा काव्य शास्त्र की कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मेरे यहाँ इस चैनल से आप पढ़ लीजिए। मैं दावा करता हूं मित्रों, आपने अगर वो काव्य शास्त्र की वो बुक पढ़ ली और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लिए, एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में या फिर आपका जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उस पेपर में बाहर नहीं जाएगा, ये विश्वास मानिए आप। तो मैंने केवल अभी मित्रों आपको 3 बुक बताई, सॉरी 2 ही बुक बताई है, एक तो बोर्ड की बुक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पहले उसे पढ़े, फिर परिष्कार सर की जो वो सर की है बुक उसको पढ़े, परिष्कार की जो बुक है हिंदी साहित्य की और फर्स्ट ग्रेड की, उसके बाद में मैंने काव्य शास्त्र की बुक पढ़ा बताई है जो 100-150 रुपये में आती है उनकी, वो ले लीजिए आप। ठीक है, ये तो हिंदी की बात हो गई। ठीक है साथियों, अब एमए लेवल का जो बात, एमए लेवल वाला जो पोर्शन है
उसे मैं आपको यहां पर कंप्लीट में करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो आप, उसका उसकी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। अब हिंदी का तो पूरा क्लियर हो गया ना मामला, अब इसमें ग्रामर वाली बात आती है। तो सर ग्रामर कैसे क्या करें, ग्रामर में मैं आपको बता दूं, ग्रामर के अंदर 9th से लेकर के 12th तक की जो बुक आती है सरल हिंदी व्याकरण, अरे कौन सी सरल हिंदी व्याकरण बुक आती है उसे पढ़ लो, और उसके बाद में एक बुक आती है दिशा की जो ऑब्जेक्टिव आती है। साथियों मानो मेरी बात को मत करो इतना मैटर इकट्ठा, और 10 बार इनको ही रगड़ो अच्छे से। तो मैं जो बता रहा हूं आपको दिल से बता रहा हूं यार, आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, देखो ठीक है ना, और नहीं करोगे तो भी क्या है यार। मैं तो देखो मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, वो जो मेरी बात में जो पहुंचा पाता हूँ वो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। बहुत दिनों बाद में एक सामने आया हूँ, और अभी तक तो मैं वीडियो ऐसे ही डालता था, लेकिन अब अपन बात करेंगे थोड़े से क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। तो हिंदी में कौन कौन सी बुक हो गई, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, इसके बाद में परिष्कार की जो गाइड है वो ले लीजिए, इसके बाद में मनोज मिश्रा सर का जो काव्य शास्त्र की जो गाइड है वो ले लीजिए। कितनी हो गई, 3 गाइड हो गई, 3 बुक्स हो गई ना साथियों। और इसके बाद में व्याकरण की बुक्स की अगर मैं बात करूं, तो व्याकरण की बुक जो हमारे यहाँ चलती है 9th से 12th तक की बुक जो RBSE बोर्ड में, वो ले लीजिए। और इसके बाद में आप सबको पता है कि जो परिष्कार की ही है डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक, वो ले लीजिए। बस इसके अलावा हिंदी में आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, किसी के भी नोट्स मत पढ़िए, किन्हीं भी कोचिंग के चक्कर में मत पढ़िए। कोचिंग का जो ये झुंझुनू पकड़ा रखा है ना, कह रहे वहां से कोचिंग कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे कितने हो गए भाई कोचिंग से सिलेक्शन, कितने हो गए, जिसका सिलेक्शन हो रहा है ना उसका सिलेक्शन तो घर पे पढ़ता तो भी हो जाता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। विश्वास मानिए साथियों, सबसे बड़ी आज की तारीख में राजस्थान के अंदर जो है ना 40 साल की एज से लेकर के 45 साल की एज तक का बंदा जो है ना फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी मारामारी है हमारे यहाँ पर, आप क्या मानते हो। और वो बंदा हमेशा दिन दिन रात रात एक करके वो ये सोच रहा है कि यार इस बार तो भगवान करे मेरा सिलेक्शन हो जाए, हमेशा ये सोचता, हमेशा यही उसकी इच्छा होती, कब तक यार मैं इस बेरोजगारी, कब तक मैं ये सारी चीजें झेलूं, आप क्या मानते। 30 साल का बंदा भी ये सोच रहा है, 25 साल का बंदा भी ये सोच, जो 25 साल का बंदे का माइंड है, लेकिन उसको जो बंदा 41 साल का हो चुका है, 42 साल का हो चुका है, 43 साल का हो चुका है, वो बंदा क्या मेहनत नहीं कर रहा होगा। हर बंदा मेहनत कर रहा है, क्योंकि कोरोना ने हर किसी को सिखा दिया है क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मित्रों अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट पेपर की। देखिए फर्स्ट पेपर के अंदर मैं आपको एक ही गाइड बता रहा हूं, केवल केवल एक गाइड लीजिए आप, इसके अलावा कुछ मत लीजिए, दिल से बता रहा हूं आपको मैं ये चीजें, क्योंकि जिन बंदों ने पढ़ी है उन चीजों को, और उन्होंने वो एक ही पढ़ी है, मैंने उस ब्रह्मा देवी का इंटरव्यू सुना था, उसने क्या बोला था मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, उसने ये बोला था कि सर मैंने एक ही गाइड लिए और उसको 10 बार पढ़ा है। कितनी बार, 10 बार पढ़ा उसने, 10 बार, आप सोचो तो सही यार, 10 बार में तो क्या मतलब मजा ले कि क्वेश्चन बाहर निकल जाए, आप देखिए तो सही, सोचो आप, तो ध्यान दीजिए। तो एक ही गाइड लेनी है, और वो गाइड है मैं आपको बता, लक्ष्य पब्लिकेशन की गाइड है, ठीक है ना, लक्ष्य की गाइड ले लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि गलत है इसमें यह है, अरे सही करो ना, आप नहीं पढ़ रहे क्या, तो एक लक्ष्य की गाइड ले लीजिए, एक पुराने क्वेश्चन के लिए दिशा की गाइड ले लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है दिशा की, 2020 ऐसे कुछ आती है, तो उसको ले लो, ठीक है ना। तो ये है आप लोगों का मैटर, मैंने कितना सा मैटर बताया आप लोगों को, एक छोटे से थैले में ले जा सकते हो आप इसको, आगे बात समझ में।
फिर अब सर करंट के बाद आती है साहब, करंट के लिए क्या करें? करंट के लिए केवल क्रोनोलॉजी जो हर मंथ आती है वो पढ़िए, और क्रोनोलॉजी पढ़ने के बाद में आपको उसमें लगे कि ये आने के लायक प्रश्न है, एक रजिस्टर बना लीजिए, क्योंकि हर बार उस क्रोनोलॉजी को रिवाइज नहीं कर सकते आप। इसलिए एक रजिस्टर बनाइए और उसमें से मेन मेन, जैसे राजस्थान का पोर्शन, इंडिया का पोर्शन और अब वर्ल्ड का पोर्शन, तीन रजिस्टर बनाइए, पतले पतले 50-50 रुपए वाले, और तीनों में अलग अलग उतार दीजिए। ये लो साहब, हो गया काम आपका। अरे कौन ये क्या करते हैं भैया, जो हाफ ईयरली जो निकालते हैं, द्विवार्षिक अंक निकालते हैं, वार्षिक अंक निकालते हैं, वो क्या करते हैं? ये ऐसे ही मंथली जो चीजें आती है उनको उसमें उतार देते हैं, छाप देते हैं, बस ये वार्षिक अंक हो गया और ये अर्धवार्षिक अंक हो गया, पढ़ लो, बना दिया पागल, पढ़ लो। अरे वही तो चीज है जो यार मैंने ला रही है। और एक और बता दूं, उसको पढ़ने के बाद में ऑब्जेक्टिव में मुमल आती है, उसको जरूर लेके आना, चाहे वो 6 महीने की लेके आओ या वर्ष की लेके आओ, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उनको निकालना, उसके नीचे व्याख्या होती है, उनको जरूर पढ़ना, ठीक है? अब बताओ यहां पर कोचिंग करने की कहां जरूरत हुई रे भाई? जो बंदा पहली बार तैयारी कर रहा है वो बंदा कर सकता है, लेकिन यार मतलब पहली बार में तो सोने पे सुहागा है, वही लगता है जिसको मतलब जो किस्मत लेके आया है। एक बार में तो सिलेक्शन उसी का होता है, राजस्थान में तो मामला है बहुत भारी है। अब सुधरता सुधर जाए तो सुधर जाए, आरपीएससी भैया मामला बहुत कठिन है। अब समस्या आती है सर, कहते हैं कि अरे यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को मैथ नहीं आती। मैंने क्या बोला आपसे, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उस लक्ष्य की गाइड से। और एक चीज और बता दूं, एक मैं याद दिला देता हूं, अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के लिए एक बुक आती है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता के सारे पेपर या फर्स्ट पेपर, एक छोटी छोटी बुक्स आती है उनको ले लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ऐसे पेपर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो समस्या खत्म। और जो टॉपिक आपको नहीं आता है, आप तो यूट्यूब बाबा, इतना बड़ा बाबा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, वो टॉपिक डालो और आपके 5,000 क्वेश्चन के पढ़ाने वाला मिल जाएगा आपको, देखो आप है या नहीं है, है ना? तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ज्यादा मैटर इकट्ठा करने वाला सबसे ज्यादा परेशान होता है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है? और हिंदी साहित्य का और हिंदी हिंदी का जो भी मैटर है फर्स्ट ग्रेड का, वो तो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ मित्रों। थोड़ी सी प्रोवेशन बात में आपसे यही कर रहा हूं कि भाई थोड़ा बहुत जो है आप मन लगा करके, दिल लगा करके थोड़ा सोचिए। तो एक बार फिर मैं बुक्स की लिस्ट एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी वाली बात, तो हिंदी के लिए फर्स्ट ग्रेड में आपको क्या पढ़ना है, एक तो परिष्कार की गाइड आप ले लीजिए, गाइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपको यार जिसकी भी लगे उसकी ले लीजिए, मेरे हिसाब से तो मैंने वो बताई है, ठीक है? एक ही लेनी है, ये चीज मैं आपको बता दूं, एक ही लेनी है। हजारों गाइडें आती है मार्केट में, लेकिन आपको एक ही लेनी है, चाहे कोई सी भी ले लीजिए आप, पर मेरे हिसाब से तो परिष्कार ही बता रहा हूं, ठीक है? काव्य शास्त्र के लिए आप गाइड ले लीजिए, किसकी? मनोज मिश्रा सर की गाइड आती है काव्य शास्त्र के नाम से ही, उसको ले लीजिए, ठीक है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास राजस्थान बोर्ड की बुक आती है पतली सी, एक उसको लीजिए। एक राघव प्रकाश सर की जो व्याकरण की बुक आती है, और एक हमारे यहाँ 9th से 12th के लिए जो व्याकरण की बुक आती है उसको ले लीजिए। बस ये पूरा का पूरा मैंने कॉम्बो आपको हिंदी के लिए, फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की तैयारी करो, चाहे सेकंड ग्रेड की हिंदी की तैयारी करो, आपको इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे मैं हाथ जोड़ लूं तुम्हारे, पढ़ लो इनको, और इनको ही पढ़ना मत, पैसा बर्बाद करो, ये 25,000, ये 10,000, ये 35,000 कोचिंग, ए इतने भर भर के जा रहे हैं, हो साहब ये तैयारी वो तैयारी। अरे नहीं रे भाई, इनको पढ़ लो, मैं बता रहा हूं तुम लोगों, ठीक है? अब फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने आपको बता दिया, एक ही गाइड लेके आनी है, चाहे लक्ष्य की लाओ, चाहे जो तुम्हें अच्छी लगे वो लाओ, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे तो लक्ष्य की ठीक लगती है भैया, ठीक
ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको बताया है। और कितने ही अच्छे अच्छे बंदों के मैंने इंटरव्यू सुने, 17-17, 18-18, 20-20 साल में जो जॉब लगे वो बंदे अब यही बताते हैं कि हम पहले जो है हजारों नोट्स, ये नोट्स वो नोट, इन चक्कर में पड़े रहे और फिर लास्ट में जाके हमने यही सोचा कि भैया एक ही पढ़ ले, तो वो जब जब उन्होंने एक पढ़ा वो सिलेक्शन लेकर चले। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा उसमें से पढ़िए, जो टॉपिक आपको नहीं आता है यूट्यूब बाबा देख लीजिए, वो टॉपिक आप वहाँ से क्लियर कर लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, वो 100% आप उसमें सक्सेस पा जाओगे। तो साथियों मैंने आपको बता दिया, बुक्स लिस्ट पूरी की पूरी कवर कर दी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या 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 तुम्हें पढ़ना है। अब रणनीति की बात आती है कि हम रणनीति क्या बनाएं कि हम सक्सेस हो जाएं। तो साथियों रणनीति के मैं बात जहां तक करूंगा, आप एक ही बात ध्यान देना, एक ही बात ध्यान देना कि रणनीति बना तो ली, लेकिन अगर वो आपने अप्लाई नहीं करी अपने ऊपर और एक कागज में लिख लिया, बढ़िया चिपका लिया, ऐसे ऐसे करूंगा, वैसे वैसे करूंगा, और वो अप्लाई नहीं करी, 4 दिन पढ़ा और वापिस वही ढाक के 3 पात, ऐसे नहीं होती है। हजारों मिल जाएंगे आपको YouTube पे बताने वाले, इतने बजे पढ़िए, इतने बजे सोइए, इतने बजे ऐसे कीजिए, उतने बजे वो करिए, हजारों मिल जाएंगे। आपका टाइम आपको जो सुटेबल लगे, जो आपको पसंद आए, वो टाइम आप पढ़ाई कीजिए। मत पढ़िए ये चैनल पर वो बता देंगे, ये बता देंगे, अरे ये क्या होता है रे भैया, अरे तुम्हारे पास जैसा टाइम है वैसे यूज करो ना यार। मैं कह रहा हूं 6 घंटे पढ़ने वाला भी सक्सेस हो जाता है, 10 घंटे पढ़ने वाला और 15 घंटे पढ़ने वाला भी नहीं होता, ये मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए यही सोचो कि मैंने जो कर रहा हूं मैं मेरे हिसाब से मैं सही कर रहा हूं, लेकिन सही डायरेक्शन में आपको काम करना है। अगर सही डायरेक्शन में काम नहीं करते हो तो फिर नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा अगर आप जॉब करते हो, 8 घंटे की जॉब करते हो तो भी सक्सेस हो सकते हो, और 10 घंटे की जॉब करते हो तो भी सक्सेस हो सकते हो, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में सही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और 10 बार जो मैटर मैंने बताया है उसी को पढ़िए, उसी के अनुसार तैयारी कीजिए, सक्सेस हो जाओ। ठीक है, तो देखिए जो जॉब करता है बंदा वो रात 7-8 बजे तो आ ही जाता है, तो 9 बजे पढ़ने बैठ जाए, 1 बजे तक वो पढ़े और उधर 6 बजे उठ जाए, आराम से 2-3 घंटा सुबह पढ़ ले, इसमें काम हो जाएगा। और अगर उसको वहाँ मिलती है थोड़ी बहुत भी टाइम तो वहाँ पढ़ ले, ठीक है। और पढ़ाने वालों को तो कोई समस्या है ही नहीं, वो तो फिर भी पढ़ ही रहे होंगे थोड़ा बहुत तो, ठीक है। और आपको पढ़ते पढ़ते एक बात जरूर ध्यान रखनी है, शॉर्ट्स नोट्स जो है वो बनाते हुए चलना है, जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं ना वो लास्ट में बहुत काम आते, बहुत मतलब इतने काम आते हैं कि अरे यार मजा आ गया यार, ठीक है भाई। तो जो भी पोर्शन आपको अच्छा लगे उस पोर्शन को बाद में पढ़े, जो अच्छा नहीं लगे उसे पहले पढ़े, मैं तो ये कहूंगा। तो पहले तो जो अच्छा लगे उसको पढ़ लो, तो फिर धीरे 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 मन लगने लग जाएगा, फिर जो अच्छा नहीं लगता उस पर आ जाओ, फिर उन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, 8 से 10 महीने की रणनीति बना लो, लग जाओ, मैं बता रहा हूं। और ये लास्ट चल रहा है, बहुत कुछ चीजें चेंज होने वाली है, टीचर बनना आसान नहीं होगा, सरकार बहुत सारी चीजें चेंज कर रही है, बहुत समस्या आने वाली है मित्रों, ठीक है। बीएड वालों की हालत खराब होने वाली है अगर ऐसी कंडीशन रही तो, वैकेंसी तो आती है ऊंट क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी बहुत आटे में नमक जो डालते हैं ना, इतनी सी वैकेंसी आती है और मामला बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए साथियों मित्रों ये की बात कहूँगा, जुट जाओ, लग जाओ, ठीक है। जो बैठे रहते हैं ना, अरे मेरे मेहनत तो होगी तो हो जाएगा, मेरा लक होगा तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। आप अपना लक नहीं है तो भी लक बना सकते हो, मेहनत के सामने सब घुटने टेक देते हैं, ठीक है। एक पर्वतारोही होता है आपने देखा होगा जो चढ़ता है, अगर वो हिम्मत हार जाए ना तो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकता, लेकिन आप देखो हिम्मत करता है और हिम्मत करने के बाद में जो उसका लक्ष्य है वहां तक वो पहुंचता है, चाहे उसकी जान रहे ना रहे, ठीक है। यही सोचना है, लक्ष्य प्राप्त करना है तो मेहनत जरूर करनी है
और मेहनत के सामने जो है आपका दुर्भाग्य भी अगर है ना, तो वो भी सौभाग्य में बदल जाएगा, वो भी सुभाग्य हो जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को प्रोत्साहित रखिए, अपने आप को हर कंडीशन में तैयार रखिए कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं अपने लक्ष्य से अड़ी नहीं, अपने लक्ष्य पर अड़ी रहूँगा, मैं कभी डिगमगाऊंगा नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों को यही शुभकामना देता हूँ कि ईश्वर करे आप सक्सेस हो। साथियों, अगर आपने मेरे वीडियो को सुना है, माना है, जाना है, जरूर चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।